तो वो भी गोपाल द्रोणाचार्य जी यहाँ इस क्षेत्र के रहने वाले थे और वो वहाँ नर्मदा के किनारे गए थे। उनने कहा, हे शंकर, तूने आज तक देखा है तू शिव भक्त रहा, तूने तेरी यात्रा पहली यात्रा आरंभ की मूकाम्बिका के पास है, केरला में एक मूकाम्बिका सरस्वती माता का मंदिर है जो स्वर्ण रेखा से एक शिवलिंग है, वहां से उन्होंने अपनी धर्म यात्रा आरंभ की थी मूकाम्बिका से। वहां से एक नजदीक तुझे उस समय बताया भी गया था कि केरला से थोड़ी दूर पर मूकाम्बिका थोड़ी दूर से विजय दुर्गा और माता शांता दुर्गा का मंदिर है, तू वहां से दर्शन होके आगे चल। और तूने कहा कि मैं वहां जाने का क्या, यहां से देखा हूं चले जाए, तू वहां भिक्कार करते हुए आ गया। और तुझे एक बात करता हूं कि तू अगर वहां जाकर दर्शन करके आता है तो तेरी इस समस्या का समाधान होगा। तुझे आज से कोई भी षट कर्म है जो वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण, मारण, उच्चारण, विद्वेषण, वहां जाकर मैं जो मंत्र बोलता हूं उस मंत्र का अगर तू उच्चारण करते हुए माता की पूजा, विजय दुर्गा माता की पूजा करता है तो इसके ये षट जो कारण है या षट वशीकरण है, षट कर्म है, ये तेरे ऊपर असर नहीं बताएंगे, किसी प्रभाव का प्रभाव तेरे ऊपर नहीं होगा। शंकराचार्य जी अपने गुरु के कहने पर यहाँ आए। तो यहाँ उस समय जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि भाई आप इतने बड़े आचार्य हैं, आप ऐसा करो एक चंडी हवन कर लो, या हम चंडी हवन करते हैं, हम चंडी हवन करने के बाद आप यहाँ से चंडी हवन करके जाओ। शंकराचार्य ने कहा, मैं सन्यासी हूँ, मैं चंडी हवन वगैरह कुछ नहीं करता और मैं यहाँ से। उन ब्राह्मणों को थोड़ा सा अटपटा लगा कि सन्यासी ही तो चंडी हवन करना, ऐसे कम से कम बैठ तो सकते थे। ब्राह्मणों ने भी कहा कि चंडी हवन कर लो। शंकराचार्य में उनमें दोनों में वाद विवाद हुआ। उतने में उनके गुरु शंकराचार्य के गुरु ने कहा कि देख शंकर, जब वो कह रहे हैं तो तू चंडी हवन खाली बैठ जाओ, वो लोग करते हैं, तू बैठ जाओ। शंकराचार्य बैठ गए, लेकिन वो जो चंडी हवन कर रहे थे ब्राह्मण, उन्होंने देखा कि उन ब्राह्मणों से इतनी गलतियां हो रही थी कि वो अपने जो प्रमाण पत्र था, जो प्रमाण था जिस प्रमाण से वो चंडी हवन नहीं हो रहा था। शंकराचार्य जी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, माता का ऐसी आराधना करना होती है। अब दोनों में वाद विवाद चला, फिर भी माता प्रसन्न होकर माता ने कहा, हे शंकर तुम क्यों कहते हो, अगर सही मार्ग है तो बताओ क्या करना है। तब उन्होंने परशुराम कल्प सूत्र में श्री विद्या से और माता चंडी के नवारणा मंत्र का, नवारणा आहुति का किस प्रकार साधना करना है या किस प्रकार यह हवन करना है उन्होंने निकाल कर बताया। और परशुराम कल्प सूत्र से चंडी हवन करने का विधान बताने के बाद यहाँ जो सारस्वत ब्राह्मण थे उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया। शंकराचार्य जी ने तब उन ब्राह्मणों को भी देखा और स्वयं की गलती को भी आधारण करते, आज आपको पता है शंकराचार्य जी का क्षमापण स्तोत्र है न मंत्रम, वो मंत्र यही विजय दुर्गा के पास ही इसकी उत्पत्ति हुई थी और शंकराचार्य ने पहली बार हुए वो क्षमा प्रार्थना यहाँ की थी और कहा था कि यहाँ माँ तेरी पूजा में हम बच्चे हैं, हमारे से गलती हो सकती है, लेकिन तू माँ बनकर हमें क्षमा करना, मैं तेरी प्रार्थना करता हूँ। आज भी वो क्षमा प्रार्थना सारे देश में चंडी हवन या किस देवी का हवन करने के बाद पढ़ा जाता है या कहा जाता है। तब उन ब्राह्मणों ने भी अपने चंडी हवन के बाद वो किया। तब कहते हैं कि इस माँ दुर्गा ने शंकराचार्य जी को रात्रि स्वप्न में आकर कहा कि हे शंकर, आने वाले पीढ़ियों में बहुत जगह चंडी हवन होगा, लेकिन ये तुम्हें बताता हूँ, उस ब्राह्मण की कभी वृद्धि नहीं होगी जो परशुराम कल्प सूत्र के अनुसार चंडी हवन नहीं करेगा, या वह किसी न किसी तरह अभाव में, या तो लक्ष्मी के, या तो उसको घर नहीं होगा, नहीं तो बच्चे नहीं होंगे, नहीं तो धन नहीं होगा, कुछ न कुछ अभाव करेगा। लेकिन जो आकर इस विजय दुर्गा के पास इस यंत्र की साधना करता है, उसमें जो गलतियाँ हुई और क्षमापण स्तोत्र पढ़कर उस साधना को 3 संध्याओं में पढ़ता है, उसको मैं क्षमा करती हूँ, ये शंकराचार्य कहा गया। मैंने विशुद्धानंद की किताब में पढ़ा है और कहा गया है कि जो भी चंडी हवन करने वाले या कराने वाले इस माता दुर्गा के पास उस यंत्र को, उस मंत्र को 3 संध्याओं में पाठ करते हैं और माता जी को अपनी तरफ से हो वस्त्रदान करते हैं, तो माता दुर्गा
अपने जीवन में हुए कोई भी माता के, नवदुर्गा हो, चंडी हो, इसमें कोई गलतियां हमारे से हुई या हो रही है, तो उसको निश्चित रूप से क्षमा करते हुए, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हूँ, या तो ब्राह्मण में विवाह नहीं होता, विवाह के लिए अड़चन होती है, या तो घर नहीं होता, या तो लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती, या तो शक्तिहीन होते हैं, या तो बच्चे पढ़ाई नहीं करने वाले होते हैं, वो तो श्रेष्ठ, फिर ऐसा देखा जाए तो श्रेष्ठ साधक होते हैं, श्रेष्ठ चंडी हवन करने वाले होते हैं। उसका जो उनके जीवन में वो गलती हो गई, उस गलती का जो फल है वो ना मिले, इसलिए यहाँ विजय दुर्गा माता के पास उस यंत्र को रखकर जो साधना रत होकर तीन संध्याओं में उसका मंत्र करता है, उसे उसकी बुराई का फल नहीं मिलता, उसका बुरा फल नहीं मिलता, जो उस विजय दुर्गा साधना का तीन संध्याओं में मंत्र जब नौ नौ माला करता है और उस यंत्र को अपने पास रखता है, कभी भी किसी भी तरह कोई देवी की आराधना करते समय वो यंत्र को अगर सप्तशती में रखा जाए, आज तक विजय दुर्गा में चंडी यंत्र है, नवचंडी यंत्र है, लेकिन विजय दुर्गा का यंत्र नहीं है, और उस विजय दुर्गा माता के पास इस क्षेत्र में जो तीन बार उस यंत्र को रखकर नौ नौ मालाएं तीन संध्याओं में करता है, उसके जीवन में गलती हो गई हो तो वो गलती निश्चित रूप से जाती है। और विशुद्धानंद जी ने इसका और गोपीनाथ कंवर जी ने इसका प्रमाण करके बताया था, इसका प्रमाण करके बताया था। आप, हम यहाँ कम करते हैं, अगर आप बंगाल में जाओ तो आपको पूरे नवरात्रियों में आपको दिन रात चंडी हवन करने वाले ब्राह्मण और दिन रात चंडी हवन करने वाले लोग मिलेंगे, उनसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन उनके पास अब जाके देखा जाए तो विजय दुर्गा का यंत्र जो साधक है उनके पास रहता है। गलतियाँ हो, बलि की प्रथा है या कुछ भी प्रथा है, हमारे से गलती कभी कभी नहीं करते, कभी करते हैं, या भैरव हो या कुछ भी हमारे से होते हैं, तो उस विजय दुर्गा का यंत्र रख कर, तो विशुद्धानंद जी ने पहली बार बताया था कि एक उनके पास आने वाले सारस्वत ब्राह्मण थे, 10 ब्राह्मण, वो भी चंडी हवन एकदम थे, लेकिन उनके पास एक घर में बहुत बीमार औरत पड़ी रहती थी, उसका उनकी पत्नी की बीमारी थी, एक को घरदार नहीं था, एक को नहीं था, तो उन्होंने यहाँ भेजा और कहते हैं कि उन्होंने जैसा ही आकर उस दुर्गा के अंतर लेकर चंडी हवन किया, वो घरदार और गृहस्थ सुख प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण के, आप गोपीनाथ कविराज जी के सारस्वत सूत्र नाम की पुस्तक में इस बात को आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, हम आज इस क्षेत्र में आए हैं और इस क्षेत्र में, इतने दिव्य क्षेत्र में हम आकर अगर जा रहे हैं, तो हमारे जीवन में कोई कमियाँ रह गई हो, किसी देवता के पास हमारे से कोई कमी हो गई हो और हमारे जीवन में किसी को विजय प्राप्त नहीं हो रही हो, तो हम उस विजय दुर्गा यंत्र को एक लाल कपड़े पर स्थापन करते हुए, आज एक संध्या है, कल सुबह एक संध्या है और कल दोपहर एक संध्या, इन तीन संध्याओं में अगर नौ नौ माला उस दुर्गा माता के का मंत्र जप करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में कोई गलतियां हुई होगी या हो रही है या होने वाली है, इसका दुष्परिणाम अपने पर नहीं होते हुए हम अच्छे परिणाम को, अच्छे तत्व को प्राप्त करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारे जीवन में कोई पूजा करते समय हमारे से गलती हो गई हो, तो माँ विजय दुर्गा हमारे जीवन में उस दुष्परिणाम को निकाल कर अच्छा परिणाम प्रदान करते हैं। केवल तीन संध्याओं में ही नौ माला जप करना है और जिसको जो इसको करेगा उसके जीवन की सारी कष्ट दूर होगा और उसके जीवन में वह सारा गृहस्थ सुख प्राप्त होगा जो नहीं हुआ है। मैं आज आपको यहाँ की इस विजय दुर्गा श्रेष्ठता को मैंने बताया है और बहुत ही प्रयत्न करके मैंने गोपीनाथ कविराज जी के और विशुद्धानंद जी के उस पुस्तक में से, मैंने जहाँ अभी आपको हुबली का नंदनवन कहा है वहाँ से उस यंत्र को प्राप्त करके, वहाँ पुस्तक भी है, उस पुस्तक में से उस विजय दुर्गा यंत्र को और मंत्र को प्राप्त किया हूँ। शायद यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं विजय दुर्गा का यंत्र क्या है, आज उस यंत्र की इस स्थान में विजय दुर्गा के यंत्र में मिल जाएगा आपको, लेकिन कहीं भी आप करेंगे, लेकिन इस स्थान में जो विजय दुर्गा माता का दर्शन करते हैं, उसकी तीन संध्याओं में नौ नौ माला जप करता है, उनकी जीवन में कुछ गलतियाँ हो गई हो माता की साधना करने या कुछ करने में, तो उन गलतियों का दुष्परिणाम ना होकर वे जीवन में सर्वसुख अनुभव करते हैं, ऐसा परशुराम जी ने भी कहा था और यहाँ के लोग भी कहते हैं और वह पुस्तक भी कहते हैं जिसने मैं पढ़ा है। मैं चाहता हूँ कि जब इस क्षेत्र में आए हैं, हम बार बार आएंगे या नहीं आएंगे ये तो पता नहीं, हम हो सके तो कल सुबह जाकर विजय दुर्गा माता का दर्शन, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पर है, देख कर आएंगे, लेकिन आप अगर योग्य समझते हैं तो विजय दुर्गा यंत्र और साधना को आज रात में एक बार, कल दो सुबह एक बार, शाम में एक बार संपन्न करें और आपके जीवन को उज्ज्वल बनाएं। जब ये साधना संपूर्ण रूप से तीन संध्याओं में संपूर्ण हो जाएगी, आपके घर में चंडी
का पुस्तक, सप्तशती का पुस्तक हो, तो इस विजय दुर्गा यंत्र को आप सप्तशती के उस पुस्तक में रखो और केवल उस मंत्र को एक माला करते हुए आप किसी भी प्रकार की माताओं का, दुर्गा नव दुर्गा हो या नवकाली हो या दश महाविद्याएं, साधना करने से पहले उस माता का एक माला मंत्र जपकर साधना आरंभ करते हो तो उसमें कोई गलतियां होती है तो उस गलतियों का निराकरण होते हुए आपको विजय प्राप्त होने की बात कही गई है। मैं तत्वज्ञानी तो नहीं हूँ लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि आपको सही मार्ग पर ले जाना और सही दिशा प्रदान करना, गुरु कृपा से जो मुझसे हो सका मैं यहाँ के तत्व को पढ़ाऊँ, यहाँ के माता के बारे में पढ़ाऊँ, बाद में कल मैं शांति दुर्गा जी के बारे में बताऊँगा, आज विजय दुर्गा के बारे में जो परशुराम जी ने कहा था बाद में उसके संचालन में गुरुपाल गोविंदाचार्य जी, शंकराचार्य, भगवान भगवत पाल शंकराचार्य जी और गोपीनाथ कविराज जी और बहुत सारे चंडी साधकों ने और बहुत सारे दुर्गा साधना साधकों ने इस नवदुर्गा यंत्र की, विजय दुर्गा यंत्र की श्रेष्ठता बताई है और उस यंत्र के बारे में कहा गया कि तुम्हारे जीवन में असफलता है किसी कारण, कोई देवता की पूजा करते समय या कुछ करते समय माता की पूजा करते तुम्हारे से गलतियाँ हो गई हो। हम बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, बहुत सारे लोगों में ये तो मैं मेरे साधकों में देखता हूँ, मैं अगर कहता हूँ कि 51 माला करो तो गुरु जी रात भर बैठा 10 माला हुई, मैं क्या करूँ, 51 माला होना चाहिए, हम आकर कहते हैं कि 10 माला हो, गुरु जी कल सुबह कर सकते हैं क्या, सुबह कर सकते, फिर सुबह आ गया, फिर सुबह से बैठा हूँ 10 माला हो, मैं बोला एक रात में 51 माला करना है तो तीन रात करना तो छोड़ दो, वो 51 माला 9 दिन में भी करना हमारे में, यानी उसका एक प्रमाण है, कोई भी मंत्र दस महाविद्या का एक मंत्र 1,25,000 9 दिन में पूर्ण करो, गुरु जी मेरे को 9 दिन में पूर्ण नहीं हुआ गुरु जी 11 दिन, एक दिन बढ़ सकता है क्या 11, अरे प्रमाण है भाई 9 दिन में 9 महीने में बच्चा पैदा होना, 11 महीने में बच्चा होता तो माँ कितनी परेशान हो जाएगी, उसी तरह एक यंत्र है, एक विधान है, उसका एक प्रमाण है, उस प्रमाण को छोड़कर गुरु जी 11 महीने में करूँगा 12 महीने में करूँगा तो माँ भी बीमार, पति परेशान, डॉक्टर परेशान सब, उसी तरह हर यंत्र का एक 1,25,000 मंत्र हो या उसका परिप्रमाण होता है, उस प्रमाण को आपको उस प्रमाणित विधि से करना चाहिए और उस प्रमाण से तुम्हारे से नहीं होता तो मत करो, लेकिन गलती मत करो, और गलती होती है तो उसका अपने को कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ साथ मंत्र दिया वाला गुरु को भी अनुभव करना पड़ता है, गुरु जी क्या हुआ आपको खांसी लगी, भाई तू मंत्र नहीं किया मेरे को खांसी लगी बोलना पड़ता है, या तो मेरे को कुछ नहीं हुआ मैं बीमार हुआ ये बोलना पड़ता है, लेकिन नहीं बोलता ये बात अलग है, मंत्र देने वाला गुरु अगर सच्चे शिष्य को अच्छी तरह नहीं देखता, शिष्य की परीक्षा नहीं करते हुए उसे कोई मंत्र देता है या कोई यंत्र देता है तो उसका परिणाम गुरु को भी भोगना पड़ता है पहले, इसलिए दीक्षा देने से पहले बहुत सा गुरु को देखना पड़ता था कि इसको दीक्षा देनी चाहिए नहीं चाहिए। आजकल तो मेरी परिस्थिति ऐसी हो गई, काफ़ी कब के वैसा हो गई दीक्षा, कोई भी आता है खड़ा हो गया गुरु जी दीक्षा दे दो हाथ लगाओ, अरे हाथ लग गया बटन है क्या लगाने के लिए, लेकिन फिर भी वो आते हैं तो उनको धर्म मार्ग पर चलाना है, उनको चलना है, इसलिए मैं कहता हूँ, लेकिन वो विधान नहीं है, वो विधान ये है कि गुरु अपने मन से कहें कि तुम्हें कुछ देने की बात करें, और जिस दिन गुरु अपने मन से देता है उस दिन तुम्हें पलट कर देखना नहीं पड़ता, तुम मांग कर देखते हो तो यही कष्ट होता है कि ये नहीं होना चाहिए, तुम प्रार्थना करना तुम्हारा काम है, प्रार्थना करने पर मैं प्रसन्न होकर देना या नहीं देना ये मेरा काम, लेकिन तुम क्या करते हो मुझे ज़बरदस्ती करते हो, गुरु जी दीक्षा दे दो ना, अब मैं कहा क्या करूँ, तुम्हें देखूँ दीक्षा दे दूँ, मैं यही सोचता हूँ अच्छा तुम मुले मुझे मेरे पास आए मुझे ही भोगना है, आप पेड़ लगाया हो तो पानी डालना है, नहीं डाला तो पेड़ सूख जाएगा, पेड़ से फल नहीं आएंगे, तो पेड़ तो गुरु जी हमने हमारे घर में नहीं लगाया तुम्हारे आश्रम में लगाया, पानी तुम डालो, ऐसी स्थिति है मेरी, तुम दीक्षा दियो तुम मुझे देखो और मैं देखता हूँ, इसलिए मैंने आज ये कहा है कि तुम्हारे जीवन में कभी अधूरी साधनाएँ रह गई हो, कभी जीवन में अधूरा काम रह गया हो या दीक्षाएँ अधूरी रह गई हो तो ज़रूर इस साधना को संपन्न कर अपने जीवन को उज्ज्वल बनाओ, आपको इस विजय दुर्गा साधना का और मंत्र का पैकेट है आप ले लो, विजय दुर्गा के बारे में श्री सूक्त या देवी अथर्व शीर्ष से शेष महाराज या उदय महाराज आपको प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे यहीं, और उसके बाद आप 9 माला आज 9 माला सुबह और 9 माला शाम में करो, और विजय दुर्गा यंत्र को केवल चंडी हवन या कोई दशमाविद्या साधना करते समय अपने पास रखो, आपकी गलतियां भी होती है तो उसको क्षमा किया जाएगा, ऐसी माता विजय दुर्गा हमारे ऊपर कृपा करें, और मैं आपको गुरु जी की ओर से आशीर्वाद देता हूँ, परशुराम भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप हम इस विजय दुर्गा क्षेत्र में आए हैं हमारे से साधना संपन्न करवा लें और हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए माँ विजय दुर्गा हमें विजय प्रदान करें, हमें सुख सौभाग्य प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आप अगर
ये दुर्गा यंत्र और माला लेके आते हैं, तो उसके बाद मैं दीक्षा को प्रदान करूंगा। मैं 15 मिनट का समय देता हूँ।